नाम है, मैं किलवाड़ा हरी वटनू में रहती हूँ। मैं एक किकबॉक्सिंग प्लेयर हूँ। मैंने जो गेम है मैंने शुरू की थी 6 साल की थी जब, तो मैंने एक गेम स्कूल में देखी थी, तो मैं इस गेम में इंटरेस्ट पड़ा, तो मैं घर गई, मैंने पापा को बोला वहाँ पर कुछ गेम हो रही थी मैं वो खेलूँ। उसने बोला हाँ ठीक है आप खेलो। फिर मैंने वहीं से शुरू किया, जून भी खेला है, नेशनल भी खेला, स्टेट भी और इंटरनेशनल भी खेला है। उन्होंने मैंने गोल्ड मेडल लाया। और लॉकडाउन चल रहा था तो मैं घर में ही प्रैक्टिस करती थी, खुद प्रैक्टिस करती थी। इक्विपमेंट्स जो मैंने खुद पैसे से लाए हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पापा ने सपोर्ट किया। और मैंने लॉकडाउन में मास्क भी बनाए थे ताकि मैं लोगों की मदद करूं, तो मैंने मास्क भी बनाए थे। तो मेरी लास्ट मैसेज सब लोगों से और लड़कियों, खासकर लड़कियों के लिए यह है कि वो भी इस गेम में हिस्सा लें, क्योंकि ये लड़कियों के लिए गेम है, जो आजकल का ज़माना है सेलेक्ट फैंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये गेम। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ के लड़कों और लड़कियों के बीच में भी बहुत सारा टैलेंट है, आगे बढ़ सके, नेशनल या इंटरनेशनल या ओलंपिक लेवल तक हम जा सकें। मेरा नाम मुश्ताक अहमद बाबरे हैं और मैं टंगमर्ग हरी वटनू का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी ने जो कारनामा किया है शायद ही कोई बेटी करती है, क्योंकि मुझे अभी लोग जानते हैं क्योंकि अपनी बेटी की वजह से। वो बाहर गई है, उसने अपने देश का नाम रोशन किया है, उसने अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो रही मेरी बात, मैं एक्चुअली काम करता हूँ एज ए स्की गाइड, तो हमारा बिज़नेस जो रहता है 3 मंथ्स का रहता है, तो उसमें हमें 1 साल के लिए खाना वगैरह सब कुछ, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है। और अभी बच्चे को इंटरनेशनल लेवल तक या नेशनल लेवल तक जाने के लिए भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं और उनको भेजना पड़ता है, तो सपोर्ट मैंने खुद ही किया है, क्योंकि पैसे एक एक रुपया जमा कर करके मैंने पैसे खुद ही इस पर इन्वेस्ट किए हैं। मैं नहीं फील कर रहा हूँ कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि सेम है। लड़कियों को भी अपनी राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी इस दुनिया पे कुदरत नहीं बनाई है, तो उनको भी राइट्स मिलने चाहिए।